अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तकदीर। नाज़रीन बहुत ही कमाल का ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी बहुत अच्छी है, अपने ससुराल में भी सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, अपनी सास का भी, अपने ससुर का भी और अपने शोहर का भी, सबके दिल जीत रही है। लेकिन उसकी सास तो किसी वजह उस पर राज़ी नहीं हो रही, वो तो उस पर कुछ ना कुछ नया इल्ज़ाम लगा देती हैं। बेचारी रूमी बड़ी परेशान हो गई है, अपने ससुराल वालों को खुश करते करते थक चुकी है। यानी रूमी के घर में कोई एमरजेंसी होती है जिसके बाद रूमी जो है वो अपने घर के जाने के लिए अपने सास के पास इजाज़त के लिए जाती है। उनसे यही कहती है कि मैंने अपने घर पे जाना, असद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, बन जाना है, आप मुझे इजाज़त दे दें। रूमी की बात सुन के उसके साथ उस पर उल्टा पड़ जाते हैं, उससे यही कहेंगे वैसे तुम बड़ी मासूम लगती हो लेकिन नाराज़ शोहर को मनाने के तुम्हें सारे गुनाते हैं। ये बात सुन के रूमी एकदम हैरान और शौक में चल जाती है, कहती है अपनी सास से कि आपका ये कहने का क्या मकसद है। यानी अजीब व गरीब बात करती है उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारी इतनी अच्छी बहू मिली उनकी उनको, लेकिन वो उल्टे ही उसको ले रही है माहीन की तरह। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपनी सास से इजाज़त ले जाने के बाद चली जाएगी अपने घर पे अपने भाइयों से, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, कोई इमरजेंसी हो जाएगी। लेकिन जब असद घर पे आएगा तो असद की वालदा से कान भरने लग जाएंगे असद के, और असद से यही कहेंगे कि असद तुम्हें पता भी है बीवी जो बगैर इजाज़त के किस तरह से चले, बीवी शोहर के बगैर इजाज़त नहीं जा सकती, लेकिन रूमी जो है तुम्हारी बगैर इजाज़त चली गई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब असद ये बात सुनता है बड़ी टेंशन में आ जाएगा, जिसके बाद असद ने अपने वालिद के पास जाएगा और उनसे यही बात कहेगा, जिसके बाद असद के वालिद उसे यही कहेंगे बेटा मैं जानता हूँ तुमने अपनी माँ के बड़े फरमा बरदार हो, लेकिन अपनी बीवी के खिलाफ भी तुम्हें नहीं कहना बल्कि उसका साथ देना, क्योंकि वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आई है लड़की। एक लड़की अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आती है तो शोहर का ये फर्ज बनता है उसका साथ दे। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे रमशा पसंद करती है हारिस को, लेकिन हारिस जो है वो किसी और को पसंद करता है और हारिस ने कहा है कि उसकी शादी वहीं पर होनी चाहिए जहाँ वो उसको पसंद करता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि रमशा की वालदा ये चाह रही हैं, वो उसके यही कहेंगी अपने भाई से कि रमशा की रुख्सती जो है वो हारिस के वलीमे वाले दिन ही कर देते हैं, क्यों ना हम दोनों बहन भाई फर्ज से अदा हो जाएंगे। लेकिन वो यही चाह रही हैं ताकि जो है हारिस की शादी किसी कहीं पर और ना हो सके बल्कि रमशा से ही हो सके। रूमी को ये बात पे चलते हैं, रूमी हारिस से ये बात करती है, जिसके बाद हारिस कहता है कि मेरी शादी कोई इम्कान नहीं है जब तक रमशा का कहीं अच्छा ढंग का प्रपोजल नहीं आ जाता, भाई टेंशन बन गई घर में। लेकिन इसी टेंशन के दौरान एक नई खुशखबरी भी आ जाएगी जब रूमी को एकदम चक्कर आएंगे, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और एक रूमी जो है नई खुशखबरी गुड न्यूज़ सुनाएगी, यानी बेबी होने वाला है। असद तो झूम उठेगा खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाएगा, यानी रूमी को और ज़्यादा एहसास से कदर करने लग जाएगा उनके बेबी होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी तरह का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तकदीर। नाज़रीन बहुत ही कमाल का ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी बहुत अच्छी है, अपने ससुराल में भी सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, अपनी सास का भी, अपने ससुर का भी और अपने शोहर का भी, सबके दिल जीत रही है। लेकिन उसकी सास तो किसी वजह उस पर राज़ी नहीं हो रही, वो तो उस पर कुछ ना कुछ नया इल्ज़ाम लगा देती हैं। बेचारी रूमी बड़ी परेशान हो गई है, अपने ससुराल वालों को खुश करते करते थक चुकी है। यानी रूमी के घर में कोई इमरजेंसी होती है जिसके बाद रूमी जो है वो अपने घर के जाने के लिए अपने सास के पास इजाज़त के लिए जाती है। उनसे यही कहती है कि मैंने अपने घर पे जाना, असद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, बन जाना है, आप मुझे इजाज़त दे दें। रूमी की बात सुन के उसके साथ उस पर उल्टा पड़ जाते हैं, उससे यही कहेंगे वैसे तुम बड़ी मासूम लगती हो लेकिन नाराज़ शोहर को मनाने के तुम्हें सारे गुनाते हैं। ये बात सुन के रूमी एकदम हैरान और शौक में चल जाती है, कहती है अपनी सास से कि आपका ये कहने का क्या मकसद है। यानी अजीब व गरीब बात करती है उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारी इतनी अच्छी बहू मिली उनकी उनको, लेकिन वो उल्टे ही उसको ले रही है माहीन की तरह। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपनी सास से इजाज़त ले जाने के बाद चली जाएगी अपने घर पे अपने
भाइयों से अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कोई इमरजेंसी हो जाएगी। लेकिन जब असद घर पे आएगा तो असद की वालदा से कान भरने लग जाएंगे असद के, और असद से यही कहेंगे कि असद तुम्हें पता भी है बीवी जो बगैर इजाजत के किस तरह से चले, बीवी शोहर के बगैर इजाजत नहीं जा सकती, लेकिन रूमी जो है तुम्हारी बगैर इजाजत चली गई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब असद ये बात सुनता है बड़ी टेंशन में आ जाएगा, जिसके बाद असद ने अपने वालिद के पास जाएगा और उनसे यही बात कहेगा, जिसके बाद असद के वालिद उसे यही कहेंगे बेटा मैं जानता हूँ तुमने अपनी माँ के बड़े फरमा बरदार हो, लेकिन अपनी बीवी के खिलाफ भी तुम्हें नहीं कहना बल्कि उसका साथ देना, क्योंकि वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आई है लड़की। एक लड़की अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आती है तो शोहर का ये फर्ज बनता है उसका साथ दे। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिससे रमशा पसंद करती है हारिस को, लेकिन हारिस जो है वो किसी और को पसंद करता है, और हारिस ने कहा है कि उसकी शादी वहीं पर होनी चाहिए जहाँ वो उसको पसंद करता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि रमशा की वालदा ये चाह रही हैं, वो उसके यही कहेंगी अपने भाई से कि रमशा की रुख्सती जो है वो हारिस के वलीमे वाले दिन ही कर देते हैं, क्यों तक हम दोनों बहन भाई फर्ज से अदा हो जाएंगे, लेकिन वो यही चाह रही हैं ताकि जो है हारिस की शादी कहीं पर और ना हो सके बल्कि रमशा से ही हो सके। रूमी को ये बात पे चलते हैं, रूमी हारिस से ये बात करती है, जिसके बाद हारिस कहता है कि मेरी शादी कोई इम्कान नहीं है जब तक रमशा का कोई अच्छा ढंग का प्रपोजल नहीं आ जाता, भाई टेंशन बन गई घर में। लेकिन इसी टेंशन के दौरान एक नई खुशखबरी भी आ जाएगी, जब रूमी को एकदम चक्कर आएंगे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और एक रूमी जो है नई खुशखबरी गुड न्यूज़ सुनाएगी, यानी बेबी होने वाला है। असद तो झूम उठेगा खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाएगा, इन रूमी को और ज़्यादा एहसास से कदर करने लग जाएगा कि बेबी होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी तरह का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप भी हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से वीवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ही कमाल का ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी बहुत अच्छी है, अपने ससुराल में भी सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, अपनी सास का भी, अपने ससुर का भी और अपने शोहर का भी, सबके दिल जीत रही है, लेकिन उसकी सास तो किसी वजह उस पर राज़ी ही नहीं हो रही, वो तो उस पर कुछ ना कुछ नया इल्ज़ाम लगा देती हैं। बेचारी रूमी बड़ी परेशान हो गई है, अपने ससुराल वालों को खुश करते करते थक चुकी है, यानी रूमी के घर में कोई एमरजेंसी होती है, जिसके बाद रूमी जो है वो अपने घर के जाने के लिए अपनी सास के पास इजाज़त के लिए जाती है और उनसे यही कहती है कि मैंने अपने घर पर जाना, असद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, बन जाना है आप मुझे इजाज़त दे दें। रूमी की बात सुनकर उसके साथ उस पर उल्टा पड़ जाते हैं, उससे यही कहेंगे वैसे तुम बड़ी मासूम लगती हो लेकिन नाराज शोहर को मनाने के तुम्हें सारे गुनाते हैं। ये बात सुनकर रूमी एकदम हैरान और शौक में चले जाते हैं और कहते हैं अपनी सास से कि आपका ये कहने का क्या मकसद है, यानी अजीब व गरीब बात करती है उसकी सास, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेचारी इतनी अच्छी बहू मिली उनकी उनको लेकिन वो उल्टे ही उसको ले रही है माहीन की तरह। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपनी सास से इजाज़त ले जाने के बाद चली जाएगी अपने घर पर अपने भाइयों से अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, कोई इमरजेंसी हो जाएगी। लेकिन जब असद घर पे आएगा तो असद की वालदा से कान भरने लग जाएंगे असद के, और असद से यही कहेंगे कि असद तुम्हें पता भी है बीवी जो बगैर इजाजत के किस तरह से चले, बीवी शोहर के बगैर इजाजत नहीं जा सकती, लेकिन रूमी जो है तुम्हारी बगैर इजाजत चली गई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब असद ये बात सुनता है बड़ी टेंशन में आ जाएगा, जिसके बाद असद ने अपने वालिद के पास जाएगा और उनसे यही बात कहेगा, जिसके बाद असद के वालिद उसे यही कहेंगे बेटा मैं जानता हूँ तुमने अपनी माँ के बड़े फरमा बरदार हो, लेकिन अपनी बीवी के खिलाफ भी तुम्हें नहीं कहना बल्कि उसका साथ देना, क्योंकि वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आई है लड़की। एक लड़की अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आती है तो शोहर का ये फर्ज बनता है उसका साथ दे। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिससे रमशा पसंद करती है हारिस को, लेकिन हारिस जो है वो किसी और को पसंद करता है, और हारिस ने कहा है कि उसकी शादी वहीं पर होनी चाहिए जहाँ वो उसको पसंद करता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि रमशा की वालदा ये चाह रही हैं, वो उसके यही कहेंगी अपने भाई से कि रमशा की रुख्सती जो है वो हारिस के वलीमे वाले दिन ही कर देते हैं, क्यों तक हम दोनों बहन भाई फर्ज से अदा हो जाएंगे, लेकिन वो यही चाह रही हैं ताकि जो है हारिस की शादी कहीं पर और ना हो सके बल्कि रमशा से ही हो सके। रूमी को ये बात पे चलते हैं, रूमी हारिस से ये बात करती है, जिसके बाद हारिस कहता है कि मेरी शादी कोई इम्कान नहीं है जब तक रमशा का कोई अच्छा ढंग का प्रपोजल नहीं आ जाता, भाई टेंशन बन गई घर में। लेकिन इसी टेंशन के दौरान एक नई खुशखबरी भी आ जाएगी, जब रूमी को एकदम चक्कर आएंगे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और एक रूमी जो है नई खुशखबरी गुड न्यूज़ सुनाएगी, यानी बेबी होने वाला है।
असद तो झूम उठेगा खुशी से, बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाएगा। ये रूमी को और ज्यादा एहसास से कदर करने लग जाएगा कि बेबी होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने किस तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप भी हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ही कमाल का ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी बहुत अच्छी है, अपने ससुराल में भी सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, अपनी सास का भी, अपने ससुर का भी और अपने शोहर का भी, सबके दिल जीत रही है। लेकिन उसकी सास तो किसी वजह उस पर राज़ी नहीं हो रही, वो तो उस पर कुछ ना कुछ नया इल्ज़ाम लगा देती हैं। बेचारी रूमी बड़ी परेशान हो गई है, अपने ससुराल वालों को खुश करते करते थक चुकी है। यानी रूमी के घर में कोई एमरजेंसी होती है, जिसके बाद रूमी जो है वो अपने घर के जाने के लिए अपनी सास के पास इजाज़त के लिए जाती है और उनसे यही कहती है कि मैंने अपने घर पर जाना, असद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, बन जाना है, आप मुझे इजाज़त दे दें। रूमी की बात सुनकर उसके साथ उस पर उल्टा पड़ जाते हैं, उससे यही कहेंगे वैसे तुम बड़ी मासूम लगती हो लेकिन नाराज शोहर को मनाने के लिए सारे गुनाते हैं। ये बात सुनकर रूमी एकदम हैरान और शौक में चले जाते हैं और कहते हैं अपनी सास से कि आपका ये कहने का क्या मकसद है। यानी अजीब व गरीब बात करती है उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारी इतनी अच्छी बहू मिली उनकी उनको, लेकिन वो उल्टे ही उसको ले रही है माहीन की तरह। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपनी सास से इजाज़त ले जाने के बाद चली जाएगी अपने घर पर, अपने भाइयों से, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, कोई एमरजेंसी हो जाएगी। लेकिन जब असद घर पे आएगा तो असद की वालदा से कान भरने लग जाएंगे असद के, और असद से यही कहेंगे कि असद तुम्हें पता भी है बीवी जो बगैर इजाज़त के किस तरह से चले, बीवी शोहर के बगैर इजाज़त नहीं जा सकती, लेकिन रूमी जो तुम्हारी बगैर इजाज़त चली गई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब असद ये बात सुनता है बड़ी टेंशन में आ जाएगा, जिसके बाद असद ने अपने वालिद के पास जाएगा और उनसे यही बात कहेगा, जिसके बाद असद के वालिद उसे यही कहेंगे बेटा मैं जानता हूँ तुमने अपनी माँ के बड़े फरमा बरदार हो, लेकिन अपनी बीवी के खिलाफ भी तुम्हें नहीं कहना बल्कि उसका साथ देना, क्योंकि वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आई है लड़की। एक लड़की अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आती है तो शोहर के फर्ज बनता है उसका साथ दे। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे रमशा पसंद करती है हारिस को, लेकिन हारिस जो है वो किसी और को पसंद करता है और हारिस ने कहा है कि उसकी शादी वहीं पर होनी चाहिए जहाँ वो उसको पसंद करता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि रमशा की वालदा ये चाह रही है, वो उसके यही कहेंगी अपने भाई से कि रमशा की रुख्सती जो है वो हारिस के वलीमे वाले दिन ही कर देते हैं, क्यों ना हम दोनों बहन भाई फर्ज से अदा हो जाएंगे। लेकिन वो यही चाह रही है ताकि जो है हारिस की शादी कहीं पर और ना हो सके बल्कि रमशा से ही हो सके। रूमी को ये बात पे चलते हैं, रूमी हारिस से ये बात करती है, जिसके बाद हारिस कहता है कि मेरी शादी कोई इम्कान नहीं है जब तक रमशा का कहीं अच्छा ढंग का प्रपोजल नहीं आ जाता। भाई टेंशन बन गई घर में, लेकिन इसी टेंशन के दौरान एक नई खुशखबरी भी आ जाएगी जब रूमी को एकदम चक्कर आएंगे, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और रूमी जो है नई खुशखबरी गुड न्यूज़ सुनाएगी, यानी बेबी होने वाला है। असद तो झूम उठेगा खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाएगा। ये रूमी को और ज़्यादा एहसास से कदर करने लग जाएगा कि बेबी होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने किस तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप भी हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।